तू मुइये शहरा दी राणी, आऊं मुइये जंगला दा राजा। तू मुइये शहरा दी राणी, आऊं मुइये जंगला दा। सो अपनी तरफ से हम इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए प्रकृति को बचाने की। दुनिया करे या ना करे, आपका अपना फर्ज बनता है। देखते आप मेरा दूसरा गड्ढा इसे। सो गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, अभी बच्चे लोग जा रहे हैं गऊ को रोटी देने के लिए। सो सुबह की राम राम सभी दोस्तों को। आज का ब्लॉग शुरू हो चुका है और हार्दिक जी अभी एक्सरसाइज चली रही है इनकी। सो आज हम लोग थोड़े से लेट उठे, चलो जी चलो थोड़ा तेजी करो, सुबह का टाइम होता गाइस बच्चों का जल्दी जाने का, जल्दी जाते हैं लोग। देखिए शिवांश, हार्दिक और हर्षिता, माथा टेक के आ चलो, अरे टेक के आ जादू, माथा टेको गऊ के पास, आगे टेकते आगे हड़े पैर में, चल कोई नहीं। ए ए ए छुड़की, ओए देखी देखी देख देखी 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 क्या चाहिए तेरे को, देखी है तू। ये देखिए हमारे बैल, आप ओ बच्चा, ये बच्चा अरे प्यारे बैल हमारे सुंदर। लंपी हो गया था ना, देखो उसको लंपी हो गया था बेचारा, आज आज ठीक नहीं हुआ उस लंपी ने ना, ऐसी रेल बनाई इनके पशुओं की ना, ये बुरे हाल कर दिए इनके। ये हमारी गऊ है अभी सोने वाली है। शिवांश देखो इधर चले जी, लेट हो रहे, चलो चलो चलो, देखी देख इसके हाल, देखो देख इतनी बुरी है ना, इतनी बुदड़ी जैसी, देखी देख 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 कैसे मारती, देखी क्यों मारती तू, क्यों है क्यों मारती है, गंदी गई की। ये है ट्राईपॉट, चला दी डिप्स मार जरा, मार जरा आदि, इधर मार रख डिप्स, इधर बढ़िया वीडियो बनेगी तेरी ऐसे करके। हाँ चल, वन पूरा जाना नीचे, टू थ्री तू भी मार फोर, हाँ जोश वेरी गुड, फाइव ऐसे ना दी, पूरा जाना नीचे, चेस्ट पूरी ले जाना नीचे, सिक्स वेरी गुड, शाबाश शाबाश शिवांश, वेरी गुड शिवांश, भी बहुत अच्छी कोशिश कर रहा है। शिवांश झुको नीचे को, हाँ रैंप ऊपर झुकाओ, हाँ भैया झुका रहा जैसे, देख रैंप ऊपर झुकाना नीचे को, अभी ऐसा ऐसा सीख रहे ये लोग गाइस। तो इनकी ट्रेनिंग चली हुई है अभी, जैसे जैसे इनके शरीर में जान पड़ेगी वैसे वैसे ये अच्छे से पुशअप लगाना सीख जाएंगे। सो दोस्तों यहाँ पर शुरू हो चुकी है हमारी रनिंग, के बाद कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस।
गाइस, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने के बाद अभी मैं लाया हूँ आम के पौधे। सो इनको दोस्तों लगाऊंगा मैं रास्ते में अपने, और बहुत बड़े बड़े गड्ढे इसके लिए करने पड़ेंगे। इसलिए आप आदि जा रहा है स्कूल। सुहास कहाँ गया? बाय, निकलो निकलो, बाय कर रहे बाबू। सो गाइस, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मेरा भी ब्रेकफास्ट हो चुका है। अभी मैं चढ़ रहा हूँ इस पेड़ में और पशु के लिए यहाँ से निकालना है चारा, तो चलता हूँ ऊपर की तरफ। तो दोस्तों ये रास्ते आप आज के दिन के लिए इतना ही पशुओं के लिए चाहिए। तो कुछ इस तरह का रिस्की वर्क हमारे यहाँ होता है गांव में, तो काफ़ी रिस्की होता है, काफ़ी हाइट है इसकी। तो अभी तो इतना इजी हो गया कि पहले बिना संगा बिना सीढ़ियों के पहले चढ़ना पड़ता था गाइस, बिना सीढ़ियों के चढ़ना पड़ता था पहले, लेकिन अभी सीढ़ी हमने बना ली है तो बड़े बड़े पेड़ों में चढ़ने के लिए आसानी होती है पेड़ों में। पहले तू मुइये शहरा दी रानी, आऊं मुइये जंगला दा राजा, मुइये शहरा दी रानी, आऊं मुइये जंगला दा। तो इस तरह से ले जाना पड़ता है घास पशुओं के लिए दोस्तों, इस तरह का कार्य होता है अपने गांव में। मुइये ये है हमारी गौए, वे गौए अय्या अय्या। ये था दोस्तों पेड़ जिस पर मैं चढ़ा था। इस घर का कार्य करने के बाद अब निकल रहा हूँ मैं होटल, और रास्ते में ही यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह मैंने आम के पौधे निकाले थे खेत में से, तो इनको लगाने जा रहा हूँ मैं ऊपर रास्ते में। सो भविष्य में अगर पेड़ बच जाएगा तो उसमें बहुत बेहतरीन बेहतरीन आम देखने को मिलेंगे। सो फिर चलता हूँ। हे बताऊ, अरे आम लगाई चला ऊपर ताऊ, कलमी नहीं हो यही है उनके पट्टे में ना, बाद अब कलम करूंगा इदा। क्यों ठीक नहीं, गड्ढा देना पड़ेगा, गड्ढा दूंगा बड़ा वाला। हाँ सो गाइस, इस पॉइंट पर लगाऊंगा मैं आम का पौधा इस जगह पे। एक ये देख लूंगा, एक आगे लगाऊंगा कहीं पर। अभी मैं जय राम राम, कैसे हाँ जी पंडित, नमस्कार जी, बढ़िया जी, आप सुनिए। दोस्तों ये लग चुका अपना आम का पेड़ नंबर एक, इसते आप और अब दूसरे। सो गाइस, दूसरे पेड़ के लिए भी मैंने गड्ढा कर लिया है, इसते आप हाथों के हाल। सो अपनी तरफ से हम इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए प्रकृति को बचाने की, दुनिया करे या ना करे आपका अपना फर्ज बनता है। इसते आप मेरा दूसरा गड्ढा, इससे एक पंथ दो काज हो जाएंगे, फ्रूट का फ्रूट हो जाएगा जंगल में, और प्रकृति के लिए भी एक संरक्षक यह पेड़ होते हैं। इससे आप कुछ इस तरह की हसीन वादियों के बीच हमने पेड़ लगाया है। तो गाइस अभी जाऊंगा होटल, इससे आप रास्ते में हूँ, वो पौधे मैंने लगा लिए हैं, और अब सीधे लिए चलता हूँ आपको होटल की तरफ।
और आज के दिन के एक दो काम पेंडिंग बचे हुए हैं, उनको भी फिनिश करना है। गेस्ट आज कोई भी नहीं है, सो चेकआउट भी नहीं है, और थोड़ा बहुत जो कार्य होगा वो भी फिनिश करूँगा और इस ब्लॉग की एडिटिंग भी करूँगा। सो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेशल मैं होटल से अपने पौधों को पानी देने के लिए आया, और उसके बाद मैंने पानी दिया और फिर वापस मैं होटल चला गया। गाइस, दिन के बज चुके हैं एक, और अभी लंच वगैरह नीचे लगभग लगभग दो तीन ऑर्डर लगवाए भाई के साथ, और अभी ऊपर की तरफ आ चुका हूँ। सो अभी यहाँ पर भी आजकल हैजिस की कटिंग का काम चला हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जिया श्री ने लगा दिया इधर हैजिस, और इससे आप तो इस तरह से हमारे यहाँ का कार्य चला रहता है। दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ हम लोग डेली एक टारगेट सेट करते हैं और उस दिन उस कार्य को करते हैं और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आजकल बरसातों में मेरा मैक्सिमम प्लान होता है ज़्यादा प्लांटेशन करूँ, मैक्सिमम मेरा प्लान यही रहता है कि प्लांटेशन की जाए, और जितनी प्लांटेशन आजकल बरसातों में हो जाती है उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आगे सर्दियों के लिए पौधे तैयार हो जाते हैं। ये देखते हैं आप कितने अच्छे से यहाँ पर जीजू ने कटिंग की है। सो एक हिसाब से जो भी कार्य होते हैं दोस्तों हमारी है ज़िंदगी में, जो नेचर को डेवलप करने के होते हैं, यह सारे सारे कार्य हमारे शौक़ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारे किस तरह के जीवन में शौक है। सो रूम्स कोई था नहीं तो दिन में क्या होता है तो ओपन रखना पड़ता है, क्योंकि मॉइस्चर अंदर हो जाता है और हीट भी अंदर बन जाती है, तो उसको खुला ही दिन में रखना पड़ता है। के ब्लॉग को किया जाए यहीं पर ही एंड, क्योंकि शाम के वक्त में फिर से बिजी हो जाऊंगा, एडिटिंग करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आज के दिन की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे अकेले तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।